इन्फो फॉर पेशेंट। जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फिस्चुला इनेनो या पेरिनल फिस्चुला। फिस्चुला जो आम लोग समझते हैं, तो एक फिस्चुला वो होता है जो डायलिसिस वाले पेशेंट, जो गुर्दे जिनके फेल हो जाते हैं वो डायलिसिस करवाते हैं, तो एक फिस्चुला वो बनाते हैं, वो बाजू पे या हाथ पे बनता है, उसको हम कहते हैं एवी फिस्चुला, आर्टीरियो वीनस फिस्चुला। ये फिस्चुला जो जनरल सर्जन्स की डोमेन में आता है, वो फिस्चुला यूरोलॉजिस्ट बनाते हैं या कार्डिक सर्जन्स बनाते हैं। तो ये फिस्चुला जो जनरल सर्जन की डोमेन में आता है, इसको हम कहते हैं पेरिनल या जो पेरिनल फिस्चुला या फिस्चुला इनेनो। फिस्चुला इनेनो या पेरिनल फिस्चुला का मतलब ये है कि वो पखाने के जो रास्ता है उसके इर्द गिर्द होगा, और वो फिस्चुला का जो मतलब है वो ये है कि वो एक दाने की शक्ल होती है। पेशेंट जो आते हैं वो अमूमन जो हमें शिकायत करते हैं वो ये कहते हैं जी कि दाना बना हुआ है काफ़ी देर से, या फोड़ा बना हुआ है, या ज़ख़म है और उसमें से रेशा आता है, कभी कभी पीप आती है, कभी ब्लड आता है और थोड़ी पेन भी होती है। तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, पेशेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हेमराइड्स क्या हैं, फिशर क्या है और फिस्चुला क्या है। तो फिशर का मतलब ये है कि पखाने की जगह पे कट है या ज़ख़म है जो पखाने के रास्ते के अंदर है, मरीज़ को उसका पता नहीं चलता, मरीज़ को सिर्फ पेन होती है और कभी कभार ब्लीडिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन साथ होगी। लेकिन फिस्चुला जब बनता है तो फिस्चुला पखाने के रास्ते के साइड पे किसी भी जगह पे, जैसे हम एक क्लॉक ड्रा करते हैं तो 12 o'clock पे, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, तो कहीं भी वो हो सकता है, और वो पेशेंट को बाकायदा पता चलता है कि इस जगह पे सोजश है। सोजश भी कहते हैं, दाना भी कहते हैं, फिंसी भी कहते हैं, ज़ख़म का नाम भी देते हैं, तो वो उनको नज़र आता है या फील होता है। जो हेमराइड्स हैं वो भी अंदर होते हैं, पखाने के रास्ते के अंदर होते हैं, और वो अमूमन पेशेंट को उनका पता नहीं चलता, उसमें ब्लीडिंग होती है जो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बनती है। और अगर हेमराइड बड़े हो जाएं तो वो जब अगर वो बाहर आएँ, जब बाहर आके कुछ लोग हाथ से उसको अंदर बीट करते हैं, तो वो पखाने के रास्ते के ही आसपास होंगे, उसका हिस्सा कुछ बाहर आ रहा होगा, और वो अंदर भी जा सकते हैं और बाहर आके ठहर भी सकते हैं, दोबारा अंदर ना जाएं। लेकिन फिस्चुला जो है वो हेमराइड से इस तरह डिफरेंस होगा कि फिस्चुला थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है, जिस तरह पखाने की नाली का रास्ता है तो उसके थोड़ा सा 1 cm, 1/2 cm, 2 cm, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी साइड क्या है, वो थोड़ा सा साइड पे होगा। तो इन अलामत के साथ, यानी फिंसी या दाने के साथ ब्लीडिंग भी और पेन इसमें हो सकती है, लेकिन पेन उस सूरत में होती है कि अगर वो फिस्चुला बेसिकली कम्युनिकेट कर रहा होता है बिटवीन टू सर्फिस, यानी इधर स्किन है और उधर जो है पखाने की नाली है, तो अंदर वाला रास्ता और बाहर वाला रास्ता आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो अगर वो कम्युनिकेशन के दरमियान में पस आ जाए, यानी वो इन्फेक्ट हो जाए, तो उसमें पेन बड़ी सवेर होती है, और बहुत सारे पेशेंट जो पेन के साथ आते हैं, जिसको हम समझ रहे होते हैं कि ये शायद फिशर है या ऐसे हेमराइड्स हैं जो बड़े हैं और फूल गए हैं, उसमें पेन ज़्यादा होती है, लेकिन वो एक्चुअली वो फिस्चुला होता है। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब हम उसका मुआयना करते हैं, तो फिर हमें उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एज ए सर्जन कि मरीज़